तबलीगी जमात को अभी तक तो भारत में ज्यादा लोग मदरसा में धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर धर्म का प्रचार करने वाले जमात के रूप में ही जानते थे, क्योंकि आधुनिक शिक्षा न होने के कारण कट्टरपंथी भी थे और गरीब तबके से ज्यादा संबंध इनका था। लेकिन अब तो रोज रोज इनके बारे में नए रहस्य उद्घाटन हो रहे हैं। अब तो यह भी पता चला है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये तथ्य जुटाए हैं कि इनको विदेशों से कोरोना संक्रमण को देश भर में फैलाने के लिए फंडिंग हुई है। ये बहुत सीरियस बात है। यह प्रसन्नता का विषय है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 20 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों को खोलने का निर्णय किया है और जल जीवन और हरियाली तथा 7 निश्चय को आधार बनाते हुए नई कार्य योजनाओं को प्रारंभ करने का संकेत दिया है। इससे भारी संख्या में जो प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न राज्यों से बिहार वापस लौटे हैं, उनको काम देने में सुविधा होगी और इस संकट की घड़ी में उनका बहुत बड़ा कल्याण होगा। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। अभी बिहार सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुलिस कर्मियों और चिकित्सा कर्मियों पर हो रहे सुनियोजित हमलों पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, क्योंकि इन हमलों पर नियंत्रण नहीं पाने के कारण सरकार की आलोचना शुरू हो गई है। जो सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों पर पानी फेर रही है और उनसे ध्यान भटका रही है। इसलिए सरकार का ध्यान जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने पर होना चाहिए, उतना ही ध्यान कानून व्यवस्था को सख्त करने और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए होना चाहिए। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।